आजादी के आंदोलन के क्रांतिकारी सिपाही और अंग्रेजों का खुलकर विरोध करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर देश भर में कई आयोजन हो रहे हैं। गांधी जी ने देश को आजादी दिलाने के लिए सत्याग्रह, असहयोग, नमक और करो या मरो जैसे बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया। यही कारण है कि बापू के पुनित कार्यों के चलते कहा जाता है कि बंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आजादी का आंदोलन में मोहनदास गांधी ने अहिंसा आंदोलन और सत्याग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह अपने विचार लिखे। महात्मा गांधी को समझने के लिए 1947 से पहले के भारत में ही जाना होगा। आज देश में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने से, देश में चांद पर जाने की बात करने से हम महात्मा गांधी को नहीं समझ सकते। महात्मा गांधी को तब किस वातावरण को समझ के समझना होगा जब अंग्रेजों के राज में सूरज अस्त नहीं होता था पूरी दुनिया में, और भारतीय एक पॉलिटिकल इकाई के रूप में संगठित नहीं थे, राजाओं के राज थे जिन पर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त करके देश को एक बनाकर अपना राज कायम कर रखा था, गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाना संभव नहीं था, और न आज की तरह दूरदर्शन था, न रेडियो था, न उस तरह अखबारों का प्रचार प्रसार था, खबरें एक ओर से दूसरी ओर जाना बड़ा मुश्किल था। ऐसे समय में भारतीय संस्कृति के आधारभूत मूल्य, नैतिकता, सत्य और चरित्र के आधार पर लड़ाई लड़ना उन अंग्रेजों से जो तोप का मुंह खोलने में घबराते नहीं, कैसे जलियांवाला बाग में उन्होंने लोगों को भून दिया, कैसे उन्होंने भगत सिंह को फांसी भी चढ़वा दिया, कैसे चंद्रशेखर आज़ाद को गोली से उड़ा दिया, उसके बीच में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का रास्ता निकाला और उन्होंने नमक सत्याग्रह किया, कैसे पूरे देश को की आत्मा को झकझोर कर एकजुट करके उन्होंने अंग्रेजों का यहाँ शासन करना मुश्किल कर दिया, दुभर कर दिया।